अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड फाइव में हूँ आपका टीचर माजिद। हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और चैप्टर शुरू हुआ हुआ है मयरमेंट। मयरमेंट के दो हिस्से पहले हमने ख़त्म कर लिए, जिसमें हमने स्मॉलर यूनिट्स को लार्जर यूनिट्स में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट किया, और फिर तीसरा हिस्सा हमारा टाइम जोन की सूरत में मयरमेंट में शुरू हुआ। यानी अभी हम मयरमेंट में टाइम जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कल का लेक्चर भी आपने इसी पर देखा था। आज हम इसका टाइम का प्रैक्टिस जोन करेंगे पेज नंबर 201 से। पेज नंबर 201 और प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास चार दुनिया के मुख्तलिफ शहर हैं और उनके टाइम बताए गए हैं। मैं उनको लिखता हूँ क्वेश्चन को। डे लिखा हुआ जी, इट्स थर्सडे, सबके ऊपर। टाइम लिखा हुआ है 08:35। मैंने आपको बताया था कि जब 08 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स मॉर्निंग टाइम AM। और सिटी का नेम नीचे लिखा हुआ है शिकागो। फिर उसके बाद सेकंड सिटी है, उसका टाइम लिखा हुआ है 15:35 और सिटी नेम है फ्रैंकफर्ट। सेम डे है आपका थर्सडे। फिर एक और शहर है दुबई, उसका हमें टाइम दिया गया है दैट इज 17:35। मैंने बताया था 12 बजे के बाद 13 होगा तो उसका मतलब 1 होगा, 14 होगा तो उसका मतलब 2 होगा, 15 होगा तो उसका मतलब 3 होगा। मींस जब हमारा क्लॉक 24 आवर्स पे शो हो रहा होता है, तो जब दोपहर की 12 बजते हैं तो उसके बाद PM का टाइम शुरू हो जाता है, तो फिर हम कैलकुलेशंस को उसी में काउंट करने लग जाते हैं। यानी आफ्टर 12 1 PM मीन्स 13 हम उसको लिखते हैं, 2 PM मीन्स 14, 3 PM मीन्स 15, इस तरह से वो एडिशन होता जाता है। तो ये टाइम उसी तरह से हमें दिए गए हैं। फिर लास्ट पे एक और सिटी का दिया गया है, दैट इज सिंगापुर, और सिंगापुर का टाइम है 21:35। ओके, सबसे पहले आप ये एनालिसिस कर लें कि इनके टाइम्स में कितना कितना फ़र्क है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हमसे होने हैं वो सारे के सारे इन्हीं पर होने हैं। इसी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पार्ट ए है हमारा, उसमें वो हमसे पूछता है फिल इन द बॉक्सेस, विद अ हेड और बिहाइंड। यानी इन दो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं हमने कि किसी शहर का टाइम किसी दूसरे शहर से आगे है या पीछे है, ब्लैंक्स में वो लिखेंगे हम लोग। तो ए पार्ट का फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, लोकल टाइम इन फ्रैंकफर्ट इज 7 आवर मीन्स 7 घंटे, फिर उसने बीच में ब्लैंक छोड़ा, लोकल टाइम इन शिकागो यानी हमने ये देखना है कि शिकागो का और फ्रैंकफर्ट का जो टाइम है उसमें कितना डिफरेंस है। 7 घंटे फ्रैंकफर्ट का टाइम शिकागो से आगे है या पीछे है, मींस अहेड और बिहाइंड का लफ्ज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। पहले इसी को फिल कर लेते हैं हम लोग। देखिए ज़रा, ये आपका फ्रैंकफर्ट है, यहाँ पे टाइम है 15:35। मैं ये साइड पे लिख लेता हूँ 15:35,
दूसरी साइड पर कंपैरिजन किसके साथ हम कर रहे हैं, शिकागो के साथ, उसका टाइम क्या है 08:35, 8 के बाद क्या हुए 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 4 आवर्स हो गए, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 15, यानी 7 घंटे शिकागो से फ्रैंकफर्ट का टाइम आगे है, 7 घंटे फ्रैंकफर्ट जो है वो अहेड है देन शिकागो, तो यहाँ पर 7 आवर्स अहेड लिखेंगे आप। इस बात का मतलब क्या होगा, दैट फ्रैंकफर्ट टाइम इज 7 आवर्स अहेड देन शिकागो। यहाँ से आप देख सकते हैं 9 बजेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 8:35 से शुरू करें, 9:35 पे 1 घंटा, 10:35 पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, एग्जैक्टली 7 घंटे बनते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि जो फ्रैंकफर्ट का टाइम है दैट इज 7 आवर्स अहेड देन शिकागो, इज इट क्लियर। इसी का पार्ट बी है, नंबर 2 है इसमें, ए पार्ट में, उसमें वो पूछता है लोकल टाइम इन शिकागो इज 9 आवर्स। अगेन आपने देखना है हेड है या बिहाइंड है। लोकल टाइम इन दुबई, अब आप किस किस का कंपैरिजन कर रहे हैं, शिकागो का किसके साथ, दुबई के साथ, टाइम्स देखे दोनों के। शिकागो का टाइम होता है जब 8:35, उसी वक्त दुबई में टाइम क्या है 17:35, सेम डे है ना, थर्सडे का सारा टाइम हमें दिया गया। अब आप ये सवाल में गौर करें बेटे कि 8 के बाद 9 आया, हम पहुंचे थे 15 पर, फिर इसके बाद क्या आएगा 16 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 17 आएगा, यानी पहले 7 घंटे की हमने कैलकुलेशन की थी, अब टोटल कैलकुलेशन कितनी बन जाएगी 9 घंटे बन जाएगी। यानी शिकागो में जब 8:35 होते हैं, उसी टाइम पर दुबई में 5:35, 5:35 यानी शाम के 5:35 हुए हुए होते हैं, क्योंकि सेम डे, ये सबका थर्सडे है, ऊपर लिखा हुआ है कि ये सारे टाइम थर्सडे के दिए गए हैं आपको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शिकागो इज 9 आवर। अब क्या है बिहाइंड, क्या है बिहाइंड, है बिहाइंड देन लोकल टाइम इन दुबई, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहले तय किया था कि इसके 2 पार्ट होंगे, ये पार्ट ए था, अब पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट बी करने जा रहे हैं। अगेन वो कहता है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट टाइम्स, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट टाइम्स, अब ये इसमें भी फर्दर 2 पार्ट दे देता है। व्हेन द लोकल टाइम इन फ्रैंकफर्ट इज 10:30, व्हेन लोकल टाइम इन फ्रैंकफर्ट इज 10:30, जिस वक्त फ्रैंकफर्ट में 10:30 डे टाइम के हों, दुबई का लोकल टाइम क्या, दुबई का टाइम क्या होगा, टाइम इन दुबई, उस वक्त दुबई में क्या टाइम होगा। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में पार्ट 2, व्हेन लोकल टाइम इन सिंगापुर इज 19, 19 का मतलब क्या होगा 7 o'clock, कौन से 7 o'clock, PM टाइम है 19, लोकल टाइम इन फ्रैंकफर्ट
इन फ्रैंकफर्ट इज, इस वक्त फ्रैंकफर्ट में क्या टाइम होगा? पहले हम लोग कंपैरिजन कर लें फ्रैंकफर्ट और दुबई का, और हमने पहले से किया हुआ है। फ्रैंकफर्ट में जब 15:35 है तो दुबई में क्या टाइम है? 17:35 है। 15 के बाद क्या है? 16 आया। 16 के बाद क्या है? 17 आया। यानी इन दोनों के दरमियान कितने घंटे का फ़र्क है? 2 घंटे का। दुबई 2 घंटे आपके फ्रैंकफर्ट सिटी से आगे है। अब वेन लोकल टाइम इज फ्रैंकफर्ट इज 10:30, तो यहाँ पर दुबई में बेटे क्या टाइम होगा? 2 आवर्स आप इसमें ऐड कर लें, 10 की जगह क्या आ जाएगा? 12, और 30 एज इट इज़ आप लिखेंगे। यानी आफ्टर 2 आवर्स जो है हम उसकी कैलकुलेशन को करेंगे। सेम टाइम पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ टाइम चल रहे होते हैं। तो फ्रैंकफर्ट सिटी और दुबई में 2 घंटे का फ़र्क है जी। फ्रैंकफर्ट में जब 10:30 होते हैं तो दुबई में क्या टाइम होता है? 12:30 हो जाता है। अब वो कहता है लोकल टाइम इन सिंगापुर इज 7 PM। इसका मतलब क्या है? 7 कैसे? 13, 14, 15, 16 और 17। 17, फिर 18, फिर 19। तो 19 का मतलब होता है 7 o'clock इन द इवनिंग। ओके जी, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये है हमारा सिंगापुर, उसका कंपैरिजन है हमारा फ्रैंकफर्ट के साथ। पहले तो हम इन दोनों को देखें कि इनमें फ़र्क क्या है। जब यहाँ पर 15:35 यानी 3:35 है, उसी टाइम पर यहाँ पर 21:35 है यानी 9:35 है। मीन्स इन दोनों के दरमियान 6 घंटे। 15 के बाद क्या आता है? 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, 20 और 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 आवर्स का डिफरेंस है फ्रैंकफर्ट का और सिंगापुर का। यानी सिंगापुर का टाइम फ्रैंकफर्ट से भी आगे है। अब क्वेश्चन क्या है? लोकल टाइम इन सिंगापुर इज 19। जब लोकल टाइम 19 मीन्स 7 बज रहे हों तो फ्रैंकफर्ट में क्या टाइम होगा? हमने ये देख लिया कि जो सिंगापुर का टाइम है वो फ्रैंकफर्ट से आ गया। मीन्स अब इससे 7 घंटे हमें पीछे जाना पड़ेगा। 1 घंटा पीछे आए तो 18 हो जाएंगे, 1 आवर। फिर 17 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, फिर 15 हो जाएंगे, फिर 14 हो जाएंगे, फिर 13 हो जाएंगे, और फिर 12 हो जाएंगे। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 घंटे पूरे हो गए। जब 19 से हम 7 घंटे पीछे आएंगे तो 12 o'clock मीन्स 12 PM, दिन के 12 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वेन टाइम इज 19 इन सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट टाइम इज 12 PM। इट्स ओके। कल का भी लेसन और आज का भी लेसन, दोनों को पहले आपने इकट्ठा करना है, दोनों को री इवेल्युएट करना है, समझना है बेटे अच्छे से। मैं थोड़ा काम इसलिए आज कर रहा हूँ क्योंकि कल का काम भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल था, तो इकट्ठा करने से ज़्यादा मुश्किल ना हो जाए। इन दोनों को आप कर लें, कल मैं इसी प्रैक्टिस जोन को फर्दर आगे लेके चलूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।